हेलो, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए, फिगर की हेल्प से समझ लीजिए। ये आपने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, क्योंकि किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस से झुकाव होता है, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल वो लाइन बना रही है। देखिए, ये लिखा है यहाँ पर, ये लाइन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉक वाइज मेजर करते हैं। ये बेटा 30 है। अब एक्स एक्सिस से अगर देखेंगे तो ये 90, ये 90 हो गया प्लस 30। तो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एंगल बताना है ना, ठीक है। तो इसे आप ओ, इसे पी कह दीजिए। तो आप लिखें ओ पी मेक्स एन एंगल ऑफ, ओ पी मेक्स एन एंगल, एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हुआ बेटा 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप क्या हो जाएगा 10 120 डिग्री। तो 10 आप जानते हैं, 90 प्लस कर लीजिए 30, ऐसे कर लीजिए, या 180 माइनस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 10 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। अभी साइन चेंज चेक कर लीजिए, सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉट जो 10 है वो माइनस होगा वहाँ, ठीक है। तो आ जाएगा आपका माइनस, मतलब कॉट थीटा मैंने लिख दिया, क्या होना चाहिए 30। तो कॉट 30, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो कॉट की क्या हो जाएगी 3, तो माइनस का 3 इज योर आंसर। तो ये स्लोप हो गया बेटा, कर लीजिए, नोट कर लीजिए ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।